नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। आज हम इस वीडियो में आपको हाल में ही बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय से अध्यापकों के लिए जो 25 कोर्स का एक बंडल लॉन्च किया गया है जिसे हम दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण करेंगे, इसके तीसरे कोर्स के जो प्रश्नोत्तरी है उसको हल कराने की कोशिश करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच में हम सभी अध्यापकों को 25 कोर्स पूरे करने हैं और इसी कोर्स की कड़ी में हमारे चैनल लगातार आपके लिए कोर्स के प्रश्नोत्तरी का हल लेकर के आता रहेगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज इस वीडियो में जिस कोर्स की बात हो रही है वो क्रमांक संख्या 3 पर दिया गया है और कोर्स का नाम है बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन, और ये उत्तर प्रदेश के लिए कोर्स है। अन्य राज्य के शिक्षक भी हमारे वीडियो से प्रश्नोत्तरी का हल प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि यह इस कोर्स का दूसरा भाग है, पहले भाग का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो अंतिम भाग में अपनी समझ को जांचे करके प्रश्नोत्तरी आएगी जिसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हमारे टीम के द्वारा दी जाने की कोशिश की गई है ताकि आप इस प्रशिक्षण पे 10/10 स्कोर प्राप्त कर सके और दीक्षा जो आपकी आपका दीक्षा पासबुक है उस पर आपके 10 अंक इस कोर्स के लिए जुड़ सके। दोस्तों अपनी समझ को जांचें भाग का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न को शुरू करने से पहले एक जानकारी से आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी प्रशिक्षण को पूरा करें एक बार इस बात को लेकर के निश्चिंत तो हो जाइए कि आपने अपने दीक्षा एप्लीकेशन को मानव संपदा के अंतर्गत लॉगिन किया है या नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो वो प्रशिक्षण आपके मानव संपदा में ऐड नहीं हो पाएगा। आप पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है कि सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वह ही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं, उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है, आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सिखाने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती हैं, उचित विकल्पों का चयन कीजिए। और आपको नीचे ब्रैकेट पे दिया गया है कि आप इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प दिया गया है बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की जरूरत है। दूसरा विकल्प है बच्चों की बातचीत कक्षा की प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा विकल्प है सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाए और बच्चे सुने। चौथा विकल्प है बच्चे अपने अनोखे अनुभव व ज्ञान के साथ कक्षा में आते हैं। चार विकल्पों में से आप सही विकल्प को चुनना है, एक या दो से अधिक या फिर चारों विकल्प सही हो सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं। इस प्रश्न के सही उत्तर के तौर पर आप बच्चे खाली घड़े की तरह है जिनको ज्ञान से भरने की जरूरत है, इसे चूज कर सकते हैं। और दूसरा विकल्प चूज कर सकते हैं सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाए और बच्चे सुने। आप इन दो विकल्पों को चूज करने के बाद सबमिट बटन क्लिक करेंगे। अब आपको पता चल गया है कि आपके द्वारा चुने गए दोनों विकल्प पूरी तरीके से सही है। इसके बाद हम जारी है बटन को दाबेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 2 पे प्रोसीड हो जाएंगे। अब आगे से हम आपको जो है वो सिर्फ क्वेश्चन और उसके विकल्प के बारे में जानकारी देंगे, जो उसका स्पष्टीकरण है वो आप उत्तर देते समय एक बार अवश्य पढ़ लेंगे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं, आपको क्या लगता है वह बच्चों की बातों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं? किन्हीं दो सबसे उपयुक्त उत्तरों को चुनिए। यहाँ पर जो आपको दो बेस्ट उत्तर समझ में आ रहे हैं उनको आप चुनना है।
पहला विकल्प है बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह वह गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। दूसरा विकल्प है बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। तीसरा विकल्प है बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और चौथा विकल्प है बच्चे के आपस में बातचीत करने से वह एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सही विकल्प चुन करके, दो विकल्प जो सही आपको लग रहे हैं उनको चुन करके सबमिट बटन क्लिक करना है हमें। प्रश्न का सही तरीके से आकलन करने के बाद हमारी टीम को दो उत्तर, दो विकल्प बहुत सटीक लग रहे हैं। पहला विकल्प तो है कि बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। और फिर दूसरा विकल्प है बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये सबसे सटीक विकल्प लग रहे हैं। अब हम इन पर टिक करके, जब हम टिक करेंगे तो वहाँ पर ब्लैक सही का निशान आ जाएगा, सबमिट बटन दाबेंगे और हम देखते हैं कि हमारे द्वारा चुने गए दोनों विकल्प पूरी तरीके से सही हैं। क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर तीन में आपसे कहा जा रहा है कि सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे दो बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे, सही विकल्प चुनिए। और दिया गया है कि आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है अधिक से अधिक सवाल पूछकर जिनका बच्चे जवाब दें। दूसरा विकल्प है बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर के। तीसरा विकल्प है विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर। और चौथा विकल्प है कही गई बात को अपने पीछे बच्चों को दोहराने के लिए कह करके। इस प्रश्न का आकलन करने के बाद हम पाते हैं कि इस प्रश्न के दो सटीक विकल्प होंगे। पहला विकल्प तो रहेगा बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका दे करके। इसके बाद दूसरा विकल्प रहेगा विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने दे करके। अब हम सबमिट बटन दाबते हैं, पाते हैं कि हमारा उत्तर पूरी तरीके से सही है। जब आपको सही उत्तर की जानकारी सबमिट बटन दाबने पर प्राप्त होगी, उसी के नीचे स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है जिसको पढ़ करके आप अपने आकलन को और पुख्ता कर सकते हैं। नंबर चार आपकी स्क्रीन पर है। श्याम लाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सीखने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा। एक से अधिक विकल्प चुने जा सकते हैं। पहला है कि बच्चों को एक एक करके अक्षरों को अच्छे से रटना। दूसरा विकल्प है अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। तीसरा विकल्प है बोर्ड पर लिखकर बच्चों को अक्षर कॉपी में लिखने के लिए देना। और चौथा विकल्प है कविता पाठ में बार बार आए एक ही अक्षर को गोला लगवाना। आपको सही विकल्प चुन करके सबमिट करना है। हम देखते हैं, आप भी अपने माइंड में आकलन किया करिए कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है, क्योंकि जब आपके द्वारा सोचा गया उत्तर हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मैच कर जाएगा, दो लोगों के ओपिनियन एक हो जाएंगे, तो यह आपके जो माइंड की कैपेसिटी है या आपके सोचने की क्षमता है, जब वो सही होती है तो अपना कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। तो आइए इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना प्रश्न का सबसे सटीक विकल्प है। हम इसके लिए केवल एक विकल्प चुन रहे हैं और प्रश्न में भी कहा गया था कि केवल एक विकल्प चुनेंगे। इसके बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे। सबमिट बटन दाबने पर आप देखेंगे कि आपके द्वारा चुना गया विकल्प पूरी तरीके से सही है। अब हम चाहें तो इसका स्पष्टीकरण भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच आपकी स्क्रीन पर। तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा। एक ही विकल्प का चुनाव करना है आपको। कह रहे हैं बिना किसी खास आधार के समूह बनाना, लिंग के आधार पर समूह बनाना, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना या बच्चों की दोस्ती के आधार पर समूह बनाना। भाई मैंने जो आकलन किया इस प्रश्न को पढ़ करके, मेरे हिसाब से यदि तुलिका जी की जगह मैं हूँ तो मैं मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बना करके अपना ये काम हल करूँगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ऐसा हम लोगों ने सोचा है, उसी के आधार पर हमने मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाने वाले विकल्प को चूज कर दिया है। सबमिट बटन दाबते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है।
लोगों का आकलन पूरी तरीके से सही है, जो विकल्प हमने चुना है वो एक सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि अध्यापिका मृणालिनी जी बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहती हैं, आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर क्या है? केवल एक ही विकल्प आप चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों को एक दूसरे की समझ को आंकने का मौका मिलेगा। दूसरा विकल्प है मृणालिनी जी को अपना और काम करने का समय मिल पाएगा। तीसरा विकल्प है बच्चों की पाठ की समझ को आंकना आसान हो जाएगा। और चौथा विकल्प है बच्चे एक दूसरे की कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। इस प्रश्न का आकलन करते हैं और हम पाते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो सबसे सटीक और सही एक विकल्प है वह है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हम लोगों ने चुना है वो है बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। अब जो हमारी विचारधारा है, हम सबमिट बटन दाब करके अपनी उस विचारधारा की पुष्टि कर सकते हैं कि हमारे द्वारा सोचा गया विकल्प सही है या नहीं सही है। सबमिट बटन दाबते हैं, लोगों के द्वारा चुना गया उत्तर पूरी तरीके से सही है और इस प्रश्न का जो स्पष्टीकरण है वो नीचे लिखा हुआ है, आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसे पढ़ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफी पसंद करते हैं, इस तरह के तरीके के क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे उचित दो विकल्प को चुनिए। और आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप एक से अधिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहला विकल्प है बच्चे अधिकतर काम खुद करने की जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। दूसरा विकल्प है बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। तीसरा विकल्प है प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। और चौथा विकल्प है सबसे बेहतर समझ रखने वाले बच्चों को पहचानने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को पढ़ने पर दो उत्तर सबसे सटीक समझ में आ रहे हैं। पहला है बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। और दूसरा विकल्प समझ में आ रहा है कि प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। इन दोनों ही विकल्पों को हम टिक करके सबमिट बटन दाबते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रशिक्षण है वो क्या कहता है इन उत्तरों के बारे में। आसान रूप हमारा ये उत्तर भी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प को चुनना है और आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। हाँ या ना एक शब्द वाले उत्तर देने वाले सवाल होने चाहिए, दूसरों की बात को दोहराने वाले सवाल होने चाहिए, या फिर अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल होने चाहिए, या फिर विषय समझाने के लिए उदाहरण देने वाले सवाल होने चाहिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प लग रहा है अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल और फिर विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। इन दो उत्तरों को टिक करके हम सबमिट बटन दाबते हैं। हमारा उत्तर पूरी तरीके से सही है। जारी करें या जारी रखें बटन पर क्लिक करके हम अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद एक प्रश्न और बचेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया जिससे मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूहों में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने के लिए कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन बनाने के लिए क्रम से क्या क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आप करें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं, बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा, बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बच्चों को अपनी जन्मदिन की पार्टी के बारे में बात करने का मौका मिलेगा, और फिर इसके बाद है बच्चों को पाठ में आए नए शब्दों को अच्छे से याद करने का मौका मिल जाएगा।
प्रश्न के जो सबसे सटीक उत्तर समझ में आ रहे हैं कि बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा और बच्चों को एक दूसरे से पाठ में आई हुई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझने का भी मौका मिलेगा। इन दो विकल्पों को का चयन करके हम सबमिट बटन दबाते हैं। हमारे द्वारा चयन किया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। स्पष्टीकरण आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अंतिम प्रश्न जो इसकी अपनी समझ को जांचे के जो 10 प्रश्न होते हैं वो 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है कि कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। बच्चों का एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा समझ में नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का कुछ फायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में से किस तर्क का इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेहतर तर्क चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल एक विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। यहाँ पर नाटक को तैयार व व्यवस्थित करना मुश्किल होता है, बच्चे मुश्किल से जूझना सीखेंगे। नाटक तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, बच्चे समय का सही उपयोग करना सीखेंगे। नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे और नाटक की तैयारियों के दौरान बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के काम सीखेंगे। 4 विकल्प दिए गए। इस प्रश्न का सही जवाब है, प्रश्न का सही उत्तर है कि नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर तरीके से समझेंगे। इस विकल्प को हमने चूज किया है। जब हम चूज करेंगे तो विकल्प के सामने एक टिक का निशान या काला पॉइंट आ जाएगा। सबमिट बटन दबाते हैं और देखते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया उत्तर सही है या गलत। स्पष्टीकरण में हम पाते हैं सबमिट करने पर कि हमारे द्वारा बताया गया उत्तर सही है। अब हम जारी रखना बटन को दाबेंगे। 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न के हमने सही उत्तर दे दिए। अंत में आपको द टीचर ऐप की ओर से धन्यवाद का मैसेज आएगा। अब आपने इस मॉड्यूल का या इस कोर्स 3 का जो अपनी समझ को जांचे हिस्सा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम कोर्सों के प्रश्न उत्तर हम आपको उपलब्ध करा सकें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करें। जय हिंद, जय भारत।